हैदराबादी पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पालक ली है, तकरीबन 200 ग्राम पालक है और एक बंच यहाँ धनिए का लिया है। सबसे पहले हम पालक और धनिए को साफ करके काट लेते हैं। धनिए को काटने के बाद यहाँ मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च को भी छोंक लगाने के लिए तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है और दो टमाटर लिए हैं। एक पैन को गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को थोड़ा गरम करेंगे। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे, जैसे धनिया, जीरा और काली मिर्च। आप इसमें दालचीनी और लौंग भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। इन मसालों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें कटा प्याज डालेंगे। साथ में लहसुन और अदरक भी डाल देंगे। सॉटे कर लेंगे। यहाँ हमने प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का गुलाबी ही रखना है। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं। ये हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे। टमाटर को पूरी तरह नरम होने तक हम हिलाते हुए पकाएंगे। ये टमाटर नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें धनिया और पालक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक हम इसमें पहले ही डाल चुके हैं। ये मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी हींग डालते हैं। हींग इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद है तो डालें। घी छोड़ने तक मसाले को भूनेंगे। ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डालकर ब्लेंड कर लेते हैं। मसाला जार में डालने के बाद इसमें हम 1/2 कप पानी का डालेंगे। अब इसको ब्लेंड करेंगे। मसाला पीसने के बाद ये देखिए इसका एक पेस्ट बन गया है। इस तरह से हमने इसको तैयार करना है। मसाले को हम फिर से उसी पैन में डालेंगे। मसाला डालने के बाद इसको हल्का सा पका लेंगे। इस मसाले में उबाल आ गया है देखिए, और ये बिल्कुल तैयार है। बस इसे 2 मिनट ही भूनना है। ये मसाला हमारा पहले से पका हुआ है, बस इसको ब्लेंड करने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब यहाँ मैंने ये 250 ग्राम पनीर लिया है, इसके मैंने बड़े बड़े टुकड़े काट कर रखे हैं। अब इस पनीर को हम इस मसाले के अंदर छोड़ देंगे और गैस को बंद कर देंगे। इस ग्रेवी में पनीर डालने के बाद हम हल्के हाथ से पनीर को इस तरह से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको ढककर रख देंगे।
हमारा हैदराबादी पनीर तैयार है। अब हम इसे एक बोल में डाल लेते हैं। बोल में डालने के बाद हम इसे बटर और लाल मिर्च का छोंक लगा देते हैं। एक पैन को गरम करेंगे, उसमें हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, इसको मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है, अब इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च डालेंगे। गैस को बंद करेंगे। अब इस छौंक को हम सब्जी के ऊपर डाल देंगे। ये हमारा हैदराबादी पनीर तैयार है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।